भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, उसके दिव्य अनुपम उदात्त विचार और संस्कार, भारत की वे संवेदनाएं जिनमें विश्व बंधुत्व, सर्वे भवन्तु सुखिनः अथवा आत्मवत् सर्वभूतेषु जैसे भाव समाहित हैं, यह एक ऐसी संस्कृति है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है और न केवल एक लोक के कल्याण की चिंता करती है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, इसका अर्थ है कि जितने लोग हो सकते हैं, जितने भी जैव जगत में प्राणी हैं, उनके सुख स्वास्थ्य और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अथवा सबके मांगल्य बोध और आनंद के लिए हमारी संस्कृति के पास एक अद्भुत विचार है। उन विचारों की, उन मूल्य पर्व परंपराओं की और दिव्य मान्यताओं के साथ साथ सनातन सिद्धांतों की रक्षा के लिए पूरे विश्व में अनेक कार्य हो रहे हैं। उनमें एक अग्रणी कार्य कर रहे हैं हमारे आदरणीय राज राजेश्वरानंद जी, जिन्हें पूज्य गुरु जी के नाम से जानते हैं संसार भर के अनेक लोग, और उनके द्वारा लंदन में और न केवल इंग्लैंड में, लंदन में, पूरे विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति का रक्षण, संवर्धन और संपोषण हो रहा है। एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के वो राजदूत हैं। उनके पास ज्योतिष विद्या है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी जिसे हम प्राकृतिक चिकित्सा कह सकते हैं, अथवा तो शास्त्र और अनेक ग्रंथों के दिव्य विचार, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि विचार ही व्यक्ति को बहुत आगे लेके जाता है अगर वो सकारात्मक है, विधेयक अथवा वह विचार यथार्थ पर है। ऐसे दिव्य विचारों के संप्रेषण प्रसारण के लिए हमारे आदरणीय राज राजेश्वर जी आज पूरे विश्व में चर्चित हैं, ख्यात हैं। 3 दिसंबर जन्मदिन है उनका, यह है कि वह इस धरती पर आए और उन्हें एक बड़ा दायित्व मिला, ईश्वर से अनुग्रह मिला कि गुरु की कृपा उन्हें मिली, उनकी सभ्यता शिष्टता, उनके भीतर में सुसंस्कृत एक दिव्य व्यक्तित्व पूरे विश्व के लिए और लोक कल्याण के लिए तत्पर है। आज हम उन्हें अपने बीच में पाकर धन्य हैं, प्रहर्षित हैं। उनके सुख स्वास्थ्य के लिए, उनके निरापद जीवन के लिए मैं बहुत सी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम, जन्मदिनम यशस्वी भव सर्वत्र सदा, जयतु मंगलम जन्मदिनम। मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका सब मंगल हो।